आप अक्सर डिनर या लंच के लिए बाहर जाते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि काश आपको रेस्टोरेंट में अपने बिल के लिए इंतजार नहीं करना पड़े। रेस्टोरेंट, कैफे, मूवी थिएटर में आपका बिल और संबंधी आपकी चिंता को दूर करने के लिए दो स्टार्टअप्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। रियल बॉक्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप किसी भी रेस्टोरेंट में अपने मोबाइल के एक बटन से बिल पे कर सकते हैं। आपका बिल पेपरलेस टेक्नोलॉजी से सीधा आपकी टेबल पर जनरेट होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी में हर टेबल पर एक चिप इंस्टॉल होगी जो आपके मोबाइल से एक एप्लीकेशन के जरिए कनेक्टेड होगी। ये अभी PVR सिनेमाज में इंस्टॉल हो रही है जिसमें आप अपनी सीट पर बैठे बैठे ऑर्डर या पेमेंट कर सकते हैं। रियल बॉक्स पेटीएम, पेयू और बाकी कैशलेस वॉलेट के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। पहले जब हम लोगों ने शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके पास बहुत पुराने, मतलब उनके पास 10-20 साल पुराने सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उसने पुराने रेस्टोरेंट्स में से किस तरीके से हम ये बिल निकाल सकते हैं। रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हर एक आदमी को ट्रेन कर पाना अपने सॉफ्टवेयर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। रूपली पहला मोबाइल ईटिंग आउट पेमेंट एप्लीकेशन है। ये ऐप बना है रेस्टोरेंट में पेमेंट के तरीके को बदलने के लिए, चाहे वो डिस्काउंट हो या पेमेंट रिकॉर्ड मॉनिटरिंग करना हो। मेरे को अपने स्टार्टअप का आइडिया अबाउट एक साल पहले आया था। उस टाइम मैं सिलिकॉन वैली में थी, तो बेसिकली मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर रेस्टोरेंट्स में पेमेंट की टाइम, प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा था बिल का। ऑन एन एवरेज अबाउट 20 मिनट्स लग जाते थे एक बिल को प्रोसेस करने में। वैसे आइडिया आया एंड देन अबाउट एक साल पहले आई केम बैक टू इंडिया एंड दैट्स हाउ रूपली स्टार्टेड। रूपली के साथ आपको अपना कार्ड देने की जरूरत नहीं है, आपकी कार्ड डिटेल्स अब सिर्फ आपके हाथों में रहेगी। आपको बिल पे करने के लिए लाइन में खड़े रहने की जरूरत भी नहीं होगी। आप अपने दोस्तों के साथ आसानी से बिल शेयर भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या पेटीएम कैश से पेमेंट कर सकते हैं। रूपली दिल्ली और NCR के 150 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स में और FNB आउटलेट्स में उपलब्ध है। तान्या दुबे, Zee Media।